सब्सक्राइब करें ब्रांडेड शहजाद यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स भी पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन का हिस्सा होंगे। हर गुजरते बरस के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे इस कहकशां में शामिल होते जा रहे हैं और अब इतलात हैं कि क्रिकेट की दुनिया में अपनी जारहाना बैटिंग से बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले दुनिया के बड़े खिलाड़ी एबी डिविलियर्स भी पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें जेरे गर्दिश हैं कि जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स पीएसएल 4 खेलेंगे। पीएसएल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी इस हवाले से इशारा दिया गया था। क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले सार्फिन की बड़ी तादाद ने यही अंदाज़ा लगाया था कि एबी डिविलियर्स पीएसएल के मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं और अब मुतअद्दिद ज़रा ने भी एबी डिविलियर्स के पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन का हिस्सा बनने की तस्दीक कर दी है। पीएसएल से जुड़े ज़रा ने बताया कि एबी डिविलियर्स पीएसएल के लिए आ रहे हैं। ज़रा ने मजीद बताया कि वो तकरीबन 3 हफ्तों के लिए दस्तयाब होंगे, यानी वो 7 मैचेस खेलेंगे। ख्याल रहे कि एबी डिविलियर्स का शुमार जदीद क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों में होता है और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर रखे हैं। ज़रा का ये भी बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ से भी मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिल रहे हैं और उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी भी पीएसएल का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब फ्रेंचाइज मालकान की जानिब से पीएसएल सेक्रेटरीट से खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि वो पीएसएल के अगले सीज़न के लिए अपने खिलाड़ियों का चुनाव कर सकें। वाला से ज़रा ने बताया कि खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त का अमल इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा और अगले माह के वस्त तक आइंदा पीएसएल का ड्राफ्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया स्टार बैट्समैनों की पीएसएल 4 में शिरकत के हवाले से चीखें मार रहा है क्योंकि इंडियन मीडिया नहीं चाहता कि पीएसएल आईपीएल से ज़्यादा मकबूल हो। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।